ड्रामेटिक क्लब के जितने सदस्य हैं सब लोग भगवान राम का स्वागत इस तरह से कर रहे हैं कि अपने हाथों की तलियां जो हैं वो उनके पैरों के नीचे रख रहे हैं। ये बड़ा भावविभोर करने वाला दृश्य है। इतनी समृद्ध भारतीय परंपरा है कि हम लोग वो जो सदियों से चली आ रही ये जो प्रथा है इसे हम आज भी आत्मसात करते हैं। जय श्री राम। आज ये बड़ा ही हर्षोल्लास का और बहुत आनंददायक दृश्य है कि भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ और वो अयोध्या में पधार रहे हैं। और असल में ये अपनी आत्मा के धरातल से अगर जाएं तो ये बड़ा ही आनंदित और बहुत ही खुश होने वाला दृश्य है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और दर्शक रामा ड्रामेटिक क्लब के जितने सदस्य हैं सब लोग भगवान राम का स्वागत इस तरह से कर रहे हैं कि अपने हाथों की तलियां जो हैं वो उनके पैरों के नीचे रख रहे हैं। ये बड़ा भावविभोर करने वाला दृश्य है और बड़ा ही आनंदित करने वाला दृश्य है। इस तरह का कहीं नहीं देखा कि भगवान राम का आगमन हो रहा है और लोग जो हैं वो अपनी तलियों पे अपने हाथों पे उनके पैर जो हैं ताकि उनके पैर नीचे ना लगें। तो ये बड़ा बहुत मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्या बताऊँ, मेरी आंखें भीग रही हैं ये सारा कुछ बयान करते हुए। इस तरह का दृश्य कहीं और दिखाई नहीं देता किसी भी रामलीला में और कोई भी जो स्टेज है कोई मंच जो है नहीं ही होता इस तरह का। ये असल में हमारी जो भारतीय परंपरा है जो हमारा कल्चर है जो तो हमारा कल्चर इतना समृद्ध है, इतनी समृद्ध भारतीय परंपरा है कि हम लोग वो जो सदियों से चली आ रही ये जो प्रथा है इसे हम आज भी आत्मसात करते हैं। और ये हमारी जीवन शैली का एक अंग है कि जिसमें ये जो भगवान राम की मर्यादाओं का हम लोग जो मंजन करते हैं तो ये बार बार हम लोग यही स्मरण करते हैं कि हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। समाज, परिवार, लोग, पब्लिक, सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहें क्योंकि मर्यादा से बाहर जाएंगे तो जीवन जो है वो जीवन की दुर्गति भी होगी और जीवन जो है वो अपने स्थान पे रहेगा नहीं। बाकी जहाँ तक आपने डिजिटल की बात की या ये जो रामा ड्रामेटिक क्लब की स्टेज पर बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले मैं नतमस्तक होना चाहूँगा। ये पूरे का पूरा जो परिवार है हमारा वो भले ही छोटे से छोटा बच्चा कोई न्यू कमर है या जो पहले से वहाँ पे